हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल बैक फ्रॉम द डेडनेस स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा टेकन चार्जर्स और आरसीबी के बीच में खेला गया 2009 आईपीएल का ये फाइनल मैच। तो अगर आपको हमारा चैनल बैक फ्रॉम द डेड पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उस मैच में बैटिंग आई थी पहले डेक्कन चार्जर्स की, तो उनकी टीम में से सबसे ज़्यादा रन बनाए थे हर्षल गिब्स ने इस मैच में 53 रन बनाए थे। और इसके अलावा साइमंड और रोहित शर्मा ने भी अच्छी इनिंग खेली थी। तो इन तीनों की इनिंग की मदद से डेक्कन चार्जर्स ने 143 रन बनाए थे 20 ओवर में 6 विकेट गंवा के। तो 144 रन चाहिए थे जो कि T20 के लिहाज से एक नॉर्मल टारगेट था। तो आरसीबी की टीम जो बैटिंग करने आई तो उनके ओपनर कुछ खास कर नहीं पाए और जल्दी जल्दी आउट हो गए। जैक एलिस 15 पे और मनीष पांडे 4 रन पे आउट हो गए। उनकी टीम में से सबसे ज़्यादा रन इस मैच में बनाए रोल्फ वंडर बर्वे ने, जिन्होंने 32 रन बनाए। रॉस टेलर ने भी अच्छी इनिंग खेली पर वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए, उन्होंने 27 रन बनाए थे। तो इसके अलावा कोई कुछ खास कर नहीं पाया और उनकी टीम ये मैच 6 रन से हार गई। और ये मैच डेक्कन चार्जर्स जीत गई। और प्लेयर ऑफ द मैच मैंने इस मैच में अनिल कुंबले, जिन्होंने 4 विकेट झटके थे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।